तो भाई जॉन चीटिंग करने का प्रैक्टिस कर रहा है, उसका पीछे कुणाल का बैठा है ना, तो देखिए जॉन ऐसे पूरी का कोना है, गरम है, टेस्टी है। गोविंद भी आया, उसका नाम क्या था वो टीचर जो गाली देता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब सुनेंगे, मैं तो अच्छा हूँ गाइस। अपने व्लॉग का मैं आज यहीं से शुरू करता हूँ। तो आज क्या है, मैं इंग्लिश एग्जाम है, मतलब थ्योरी का एग्जाम आ गया आज से, और आज फर्स्ट एग्जाम है। और मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, पढ़ा नहीं मतलब वीडियोस लेक्चर मैंने देखा, मतलब थ्री टॉपिक्स है, थ्री प्ले है, उसमें से दो मैंने देखा और एक तो अलग ही है, पता नहीं कहाँ का है। तो वही आज जाना है एग्ज़ाम देने, अभी टाइम हो गया 11:50। हाँ, और एग्ज़ाम मेरा 1 बजे शुरू होगा और 12:30 तक एग्जामिनेशन हमें पहुंचना पड़ेगा। तो मैं अब थोड़ा 5-10 मिनट में निकलूँगा घर से और देखता हूँ एग्ज़ाम आज कैसा जाता है। आई होप फॉर द बेस्ट एंड बैग मेरा रेडी है, बैग में कुछ है कि नहीं पता नहीं अभी, नहीं बैग में पेन है और एडमिट कार्ड रख लिया है, तो अब लेके जाऊँगा वही और एग्ज़ाम देकर आऊँगा, फिर बताऊँगा कैसा होता है एग्ज़ाम। थोड़ा भी टेंशन नहीं हो रहा था यार ये सब्जेक्ट का, लेकिन अब एग्ज़ाम के पास एग्ज़ाम जितना करीब आ रहा है उतना टेंशन हो रहा है। ज़्यादा मार्क्स तो चाहिए नहीं, इंटरनल से मुझे 18 मिल गया है और कितना और 12 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो 12 मार्क्स का तो मैं लिख ही दूंगा, इतना तो है मुझ में। तो भाई चलिए मैं चलता हूँ कॉलेज के लिए, और मैं रुका किस लिए हूँ, अनुराग के लिए। अनुराग बोला था 11 बजे आएगा, 11:10 बजे अभी तक नहीं आएगा, वो बहुत लेट करता है, तो वो अब आने ही वाला है, मैं उसको कॉल करके और निकलता हूँ। तो गाइस अब मैं कॉलेज के लिए निकल गया हूँ और अनुराग भी मेरे पास है, मतलब मेरे साथ ही जा रहा है, और चलते हैं सीधा कॉलेज। और आज तो पेपर फाड़ देना है गाइस, पेपर को हैं है? हाँ रास्ता खाली है, अरे ट्रैफिक भी नहीं है थोड़ा भी, अभी अभी हम बात कर रहे थे ट्रैफिक नहीं है, और ये देखिए ट्रैफिक चालू। तो गाइस हमें चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होने वाला था और ये लोग आ रहे हैं, ये आर्टिस्ट लोग आने वाला था, सबका प्लान कैंसिल हो गया गाइस ये, और अभी तक हुआ भी नहीं, आ भी गया था इन लोग। चलिए अब चलता हूँ कॉलेज, भाई मुझे ऐसे ही देख क्यों रहा है। तो गाइस अब तो मैं कॉलेज के पास आ गया, अब ज़्यादा दूर नहीं है कॉलेज, यहाँ से बस 1 मिनट में पहुँच जाएगा कॉलेज, और उसके बाद एग्ज़ाम में देखेंगे क्या होगा मेरा। तो भाई आज हमें एग्ज़ाम होगा ना, तो कॉमर्स और साइंस अलग एक सब बैठेगा मगल में, अगर कोई लड़की ना मेरे पास बैठी ना एकदम टॉपर वाला एटीट्यूड रखूँगा मैं, किसी को किसी से नहीं पूछूँगा, इम्प्रेस भी तो करना पड़ता है ना। तो चलिए अपना स्ट्रेटेजी किसी को पता नहीं लगना चाहिए भाई। 18 उसका नाम क्या था वो टीचर जो गाली देता है ना। तो भाई सबसे पहला काम एग्ज़ाम के पहले, तो भाई मैं क्लास में आ गया और ये देख पूरी भी इधर है, अखिल टॉपर पढ़ते हुए। अच्छा चलिए मैं चलता हूँ क्लास से बाहर, अभी घुटन हो रहा है गाइस, पता नहीं क्या होगा आज एग्जाम में। गाइस जॉन का टेस्ट, ये केबिन का लॉक और अब हम लोग चलते हैं पूरी रूम में। तो भाई जॉन चीटिंग करने का प्रैक्टिस कर रहा है, उसका पीछे कुणाल का बैठा है ना, तो देखिए जॉन ऐसे चीटिंग करेगा। टीचर का नहीं, पहले प्रिपरेशन आर बेटर देन क्योर। बस गाइस मेरा इधर में ये मेरा फोटो और ये मेरी सीट, गाइस अनुराग वहाँ बैठा है और ये है बॉक यहाँ पे, हमारे क्लास में खाली 3 जन बैठे हैं और ये अनुराग बियान और है बॉक, हम लोग चलते हैं अपने रूम। तो गाइस क्लास धीरे धीरे बढ़ रहा है, गाइस मिलते हैं एग्जाम के बाद।
सो गाइस एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया और मुझे सिर्फ 12 मार्क का लिखना था, लेकिन कैसे कैसे मैंने पूरा अटेम्प्ट ही कर दिया। क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी आया था, अब पता नहीं अब कितना मिलेगा। इंग्लिश में तो मार्क्स कटता ही है वैसे भी, इसलिए मैंने पूरा अटेम्प्ट कर दिया, कम से कम 30 तो देगा, लेकिन मैं उससे बहुत ज़्यादा ही मिलेगा। मैंने लिखा था पूरा है गाइस फॉर फर्स्ट टाइम, जितना का जरूरत है उससे ज़्यादा मैंने नहीं लिखा, मैं उससे ज़्यादा लिखा है। तो हमेशा मैं जितना ज़रूरत होता है उतना ही लिखता हूँ। और गाइस मैं अपने क्लास से, मतलब अपने डिपार्टमेंट का सबसे पहला लड़का निकलने वाला क्लास से। जितना ज़्यादा भी लिख लो, जितना भी देरी करके लिखो, ये अखिल और जोहन क्या क्या लिखते हैं पता नहीं, ख़त्म ही नहीं होता उनका पेपर कभी नहीं, उनसे पहले कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। चलिए कोई नहीं, अभी कैंपस में जाऊँगा तो कैंपस में स्टे तो अलाउ नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम प्रीलिम्स का टाइम, स्टूडेंट लोगों को सीधा घर जाना होता है एग्ज़ाम देने के बाद, कैंपस में रुक नहीं सकते। कोई नहीं रुकूंगा, चलो चलता हूँ, बाई चांस टाइम मिला तो रुक जाऊँगा। तो गाइस मैं कैंटीन के पास है और चलिए चाय पी के अब कॉलेज से बाहर निकलता हूँ। चलिए से गाइस ये देखिए बाहर में क्या बन रहा है। तो गाइस हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और हम कॉलेज से बाहर निकल गए हैं और जा रहे हैं जेल रोड मोमो खाने, क्योंकि वहाँ का चटनी अच्छा था, मोमो का तो पता नहीं। तो चलिए जेल रोड में मिलते हैं और एग्ज़ाम अच्छा गया गाइस, खाली मैंने 75 का लिखा। चलिए इसलिए यहाँ से मेरा इसलिए इन को ट्रीट दे देता है, मैं 75 का लिखा है, कंट्रास्ट नहीं आ रहा है। उड़िया से बात करके देखना इंग्लिश में वो ऐसा 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 निकलता है, फाड़ा करेगा, फाड़ा रहा। हाँ पूरी कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं देगा। सो गाइस हम लोग जेल रोड आ गए और अरुण आने वाला है, मतलब अरुण का रिहाई होने वाला है, अभी वो जेल में है तो जेल से उसका रिहाई के लिए रुकेंगे और वो आएगा तो उसके साथ जाके मोमो खाएंगे, ठीक है गाइस। तो जस्ट वेट। सो गाइस अरुण कौन भी किधर ही था ना। हाँ गाइस अरुण यहीं से अभी बाहर निकल गया है और चलिए अब हम लोग चलते हैं मोमो खाने। हाँ सब चोर बोल रहा है कि ये सब लोग बोल रहा है कि ये हम ही चोर नहीं है, वाइफ की हम ब्रेड चोरी करता था। हाँ हाँ अच्छा अब मोमो भी चोरी करता है दोस्त के लिए। गाइस गाइस अरुण को मिलकर बहुत अच्छा लगा तो अरुण का मैं खिलाऊंगा, कितना सालों के बाद हम मुझे अरुण मिला है तो उसको मोमो तो खिलाना बनता है, ठंडा भी है ऊपर से। चलिए ओह हम लोग चारों ही आ रहे खाली फ्रेम में, तीन आ रहा है। कौन रुका ले ना लेट होते हट भाई हट 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 ठीक है छोड़ा दे हम ले। तो गाइस हमारा मोमो तो हो गया और हम गुलाब जामुन खाएगा और पूरी और रोहित को भेज दिया हमने क्योंकि हमें अकेला में खाना था। चलिए क्या बेस्ट पार्ट क्या है मैंने गर्म रहता बेस्ट पार्ट तुमको पता नहीं, हमको बोले अरे क्या पूरी और अनुराग नहीं है करे पूरी और रोहित नहीं है चल खाता है। तो गाइस हम खा रहे गुलाब जामुन और पूरी का कोना है, गर्म है टेस्टी है। ए गोविंद भी आया, गोविंद भी खा रहा है, गोविंद भी खा रहा है अभी। ए गोविंद गुलाब जामुन खाएगा, हम भी खिला ले ले मंगा। ओए ला गई ए भाई खाना दो जल्दी आ जा हे पैसा है आ जा जल्दी आ अरे आ रहे तुम धोनी तो गुर गया। गाइस पूरी भी आ रहा है, पैसा तो लूटने वाला है मेरा। तो गाइस अब सब हो गया हमारा, अब चलते हैं घर और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग, बाय।